Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the biosynthesis of porphyrin. But before starting the lecture, this is about me. I'm Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8 plus year research experience in biological sciences, 4 plus year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of porphyrins. Porphyrin ki biosynthesis ki agar baat kare to biosynthesis of porphyrin ke liye jo precursor hai, that is major precursor is glycine. It means कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन ही नहीं है प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन. पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस के लिए ग्लाइसिन प्रीकर्सर है, बट ग्लाइसिन के अलावा ग्लूटामेट भी प्रीकर्सर है. मीन्स पोरफायरिन ग्लाइसिन से तो बनता ही बनता है, ग्लूटामेट से भी बनता है. बट मेजर प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन इज व्हाट? इट इज ग्लाइसिन. पोरफायरिन की अगर सेंट्रल इम्पोर्टेंस की बात करें, दैट इज पोरफायरिन न्यूक्लियस की अगर सेंट्रल इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इट इज इन्वॉल्व्ड इन हीम प्रोटीन्स. एंड हीम प्रोटीन्स का बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम. सो हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स आर हीम प्रोटीन्स जिसमें पोरफायरिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. पोरफायरिन बनता कैसे है? Porphyrin are constructed from four molecules of porphobilinogen. पोर्फोबिलिनोजेन की अगर बात करें तो दे आर मोनोपायरोल डेरिवेटिव. पोर्फोबिलिनोजेन क्या है? पोर्फोबिलिनोजेन है मोनोपायरोल डेरिवेटिव. अब सवाल यह है कि पोर्फोबिलिनोजेन कैसे बनता है? पोर्फोबिलिनोजेन बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ पोर्फोबिलिनोजेन डिराइव्ड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट. इट मीन्स कि डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट से क्या बनेगा? डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट से बनेगा पोर्फोबिलिनोजेन, पोर्फोबिलिनोजेन से बनेगा पोरफायरिन. बट सवाल ये है कि डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट कैसे बनेगा? डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट की अगर बात करें तो डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट की सिंथेसिस के लिए दो मेजर पाथवे होते हैं. एक पाथवे में ग्लाइसिन एज ए प्रीकर्सर यूज होता है, दूसरे पाथवे में ग्लूटामेट एज ए प्रीकर्सर यूज होता है. अब सवाल ये है कि ग्लाइसिन किस कंडीशन में यूज होता है एंड ग्लूटामेट किस कंडीशन में यूज होता है. ग्लाइसिन की अगर बात करें तो इन हायर यूकैरियोट्स जो डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट है वो ग्लाइसिन से बनता है, लेकिन प्लांट्स, एल्गी एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट की सिंथेसिस होती है ग्लूटामेट से. मींस कि पोरफायरिन की सिंथेसिस के लिए दो प्रीकर्सर है, फर्स्ट वन इज द ग्लाइसिन एंड सेकंड वन इज द ग्लूटामेट. बट मेजर प्रीकर्सर इज व्हाट? मेजर प्रीकर्सर इज ग्लाइसिन. सो इन हायर यूकैरियोट्स ग्लाइसिन रिएक्ट्स विद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. जब ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, एंड दैट इंटरमीडिएट इज अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपेट. और ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है, दैट एंजाइम इज डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट सिंथेज. सो अल्फा अमाइनो बीटा कीटो एडिपेट इंटरमीडिएट से डी कार्बोक्सिलेशन होता है. मींस वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन इट फॉर्म्स डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट. एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाई डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट सिंथेज एंजाइम. जबकि प्लांट्स, एल्गी एंड मोस्ट बैक्टीरिया में जो डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट है वो ग्लूटामेट से बनते हैं. इस कंडीशन में ग्लूटामेट फर्स्ट स्टेरिफाइड टू ग्लूटामाइल टीआरएनए ग्लूटामेट. मींस ग्लूटामेट स्टेरिफाई होता है विथ टीआरएनए ग्लूटामेट और ये बनाता है ग्लूटामाइल टीआरएनए ग्लूटामेट. एंड
इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ग्लूटामाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सिंथेटेज वैसा एंजाइम होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड एनर्जी इज एटीपी। सो सिंथेज एंड सिंथेटेज दोनों में डिफरेंस है। सिंथेज एंजाइम में कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जबकि सिंथेटेज एंजाइम के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि इस रिएक्शन में एटीपी यूज हो रहा है इसलिए दिस एंजाइम इज ग्लूटामाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जैसे ही ग्लूटामाइल टीआरएनए ग्लूटामेट बनता है इस ग्लूटामाइल टीआरएनए ग्लूटामेट का रिडक्शन होता है एंड रिड्यूसिंग को एंजाइम इज नैड पीएच। रिड्यूसिंग को एंजाइम नैड पीएच भी होता है एंड एनएडीएच भी होता है। एनएडीपीएच रिड्यूसिंग को एंजाइम यूज इन एनाबोलिक रिएक्शंस जबकि एनएडीएच रिड्यूसिंग को एंजाइम यूज्ड इन कैटाबोलिक रिएक्शन। एनएडीपीएच किसमें यूज होता है? एनएडीपीएच रिड्यूसिंग को एंजाइम एनाबोलिक रिएक्शंस में यूज होते हैं जबकि एनएडीएच रिड्यूसिंग को एंजाइम कैटाबोलिक रिएक्शंस में यूज होते हैं। क्योंकि पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस इज एनाबोलिक रिएक्शन दैट्स व्हाई यहां पे जो रिड्यूसिंग को एंजाइम है दैट इज एनएडीपीएच। और ये जो ग्लूटामेट 1-semialdehyde बनता है ये कन्वर्ट होता है डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट 1-semialdehyde अमाइनो म्यूटेज। सो दिस इज द पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट इन हायर यूकेरियोट्स एज वेल एज इन प्लांट्स एल्गी एंड मोस्ट बैक्टीरिया। एक बार जब डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट बनते हैं देन पाथवे सेम होते हैं चाहे वो हायर यूकेरियोट्स हो चाहे वो प्लांट्स हो या एल्गी हो या मोस्ट बैक्टीरिया हो। सो डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट दो मॉलिक्यूल डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट जब कंबाइंड होता है कंडेंस होता है तो ये वन मॉलिक्यूल पोर्फोबिलिनोजेन बनते हैं। मीन्स टू मॉलिक्यूल कंडेंसेशन के बाद वन मॉलिक्यूल पोर्फोबिलिनोजेन बनते हैं। इट मीन्स कि अगर 8 मॉलिक्यूल डेल्टा अमाइनो लेब्यूलिनेट होगा तो ये बनेगा 4 मॉलिक्यूल्स पोर्फोबिलिनोजेन। अब ये 4 मॉलिक्यूल्स पोर्फोबिलिनोजेन में डीएमिनेशन होता है और ये टुगेदर होते हैं एंड इट फॉर्म्स प्री यूरोपोरफायरिनोजेन एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय यूरोपोरफायरिनोजेन सिंथेज। क्योंकि सिंथेज है इसलिए यहाँ पे कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्री यूरोपोरफायरिनोजेन में डिहाइड्रेशन होता है एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स यूरोपोरफायरिनोजेन 3। यूरोपोरफायरिनोजेन 3 फॉर्मेशन ऑफ यूरोपोरफायरिनोजेन 3 रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय यूरोपोरफायरिनोजेन 3 को सिंथेज। और इस कंपाउंड में जो एसी ग्रुप है दिस रिप्रेजेंट्स एसिटाइल ग्रुप, पीआर ग्रुप रिप्रेजेंट्स प्रोपियोनाइल ग्रुप। अब इस यूरोपोरफायरिनोजेन 3 में डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं फ्रॉम द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल ग्रुप। और ये क्या बनाता है? एसिटाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3 एंड दिस कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3 में अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं और इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये बनता है प्रोटोपोरफायरिनोजेन। इस रिएक्शन में क्या होते हैं? 2 प्रोपियोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो विनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज प्रोटोपोरफायरिनोजेन एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कोप्रोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज। नाउ अब इस प्रोटोपोरफायरिनोजेन में क्या चेंजेस होते हैं? प्रोटोपोरफायरिनोजेन कन्वर्ट होता है प्रोटोप्रोफायरिन में। ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीडाइज होता है मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है और ये पार्ट हो जाता है इस पायरोल रिंग का एंड दिस नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ पायरोल रिंग एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज। नाउ प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट हो जाते हैं हीम में और यहाँ पे
आयरन Fe+2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है इस नाइट्रोजन से, जो कि चार नाइट्रोजन है एंड ऑल नाइट्रोजन आर पार्ट ऑफ पायरोल रिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिम एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाई फेरोचिलेटेज. So this is the pathway of the formation of heme from delta amino levulinate. Now porphyrin biosynthesis की जो regulation होती है higher eukaryotes में वो होती है by the concentration of heme product. This concentration of heme product serves as a feedback inhibitor of early steps in the synthetic pathway and genetic defects in biosynthesis of porphyrin lead to the accumulation of pathway intermediates causing a variety of human diseases known as collectively porphyrias. Porphyrias की अगर बात करें तो porphyrias basically होता है defects in enzyme of the biosynthetic pathway from glycine to porphyrin. Specific porphyrin precursor accumulate in the erythrocytes, body fluids and liver. So this is the pathway of the conversion of heme from the delta amino levulinate से porphobilinogen बनते हैं. Porphobilinogen से pre-europorphyrinogen बनते हैं. Pre-europorphyrinogen से europorphyrinogen 3 बनता है. Europorphyrinogen 3 से coproporphyrinogen बनते हैं. Coproporphyrinogen से protoporphyrinogen बनते हैं. Protoporphyrinogen से protoporphyrin बनते हैं एंड देन हीम बनता है. एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द एंजाइम कैटलाइज द रेस्पेक्टिव रिएक्शंस कॉजेस दिस टाइप ऑफ पोर्फायरिया. सो जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द एंजाइम ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ पोर्फायरिन लीड्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्फायरियास. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ पोर्फायरिन.